तो अगर देखोगे आप प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को, तो बेसिकली इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और उसका वेक्टर दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? तो यहाँ से, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है कि 400 x² वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। और एरिया ऑफ दिस क्यूब इज 0.2 मीटर स्क्वायर। किसी भी फेस का एक क्यूब है, तो क्यूब की हर फेस की एरिया तो इतना ही होगी इच फेस का, ठीक है। ये वाला सरफेस, एक सरफेस का इच सरफेस, हर सरफेस का एरिया इतना ही होगा, ठीक है। तो अब कहते हैं कि अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहले देखो ये जो सरफेस होते हैं, ये वाला जो सरफेस, जो अंदर वाला सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो अंदर वाला सरफेस है, उसी तरह से ऐसा सरफेस एक बाहर भी है, ये वाला सरफेस। तो ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, वो बेसिकली अपना वाई एक्स प्लेन है। तो वाई एक्स प्लेन से फ्लक्स कितना होगा भाई? जीरो होगा, क्योंकि फील्ड है ही नहीं। तो इस वाले तुम देखोगे यहाँ से, इससे, इस वाले से, तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा? जीरो, ठीक है। अब ऊपर वाला ये जो सरफेस है, ये इसी तरह से अपना यहाँ पर जो है एक्स जेड प्लेन है, ये वाला जो है एक्स जेड प्लेन है, तो इस प्लेन के पैरेलल भी जो फील्ड लाइन है वो जीरो है, तो इससे भी फ्लक्स जीरो बनेगा। तो फ्लक्स बनेगा किससे? तो जो फ्लक्स बनेगा वो जिधर फील्ड है उधर ही तो बनेगा फ्लक्स यार, उस वाले सरफेस को से क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो फ्लक्स बनेगा वो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला भाई कौन सा प्लेन है? दिस प्लेन इज बेसिकली, तुम देखोगे तो ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड के पैरेलल ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। तो इस वाले प्लेन से फ्लक्स अपना क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो अगर यहाँ फील्ड लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इधर की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू जीरो है ना भाई। तो इस प्लेन में यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो बेसिकली जीरो है, तो इससे तो फ्लक्स जीरो बनेगा। तो कुल मिला के जो फ्लक्स बचा वो इस वाले एरिया से फ्लक्स बचा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ईए कॉस थीटा जीरो, बिकॉज एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो थीटा हो गया जीरो। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 400 और एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? तो एक्स की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर वोल्ट मीटर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो 0.2 यहाँ से 0.2 का स्क्वायर एक साइड, और यहाँ से मीटर स्क्वायर। तो फाइनली जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा, बेसिकली जब ये फाइनली तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 32/5, इसको कैलकुलेट करो 32/5 वोल्ट मीटर आ जाएगा। अब हमें सेंटीमीटर में यहाँ, तो 32/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 640 वोल्ट सेंटीमीटर। ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स, मतलब 640 यहाँ पर मैं भर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।